हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो मेथड्स बताने वाला हूँ, आप अपनी करप्टेड हार्ड ड्राइव को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दो स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले दोस्तों, हमने पहले स्टेप के लिए फाइल एक्सप्लोरर पर जाना है। दिस पीसी पर इस तरीके से आपको, उसके बाद दिस पीसी का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाना है आपको। अब आपको यहाँ पर अपने ड्राइव का लेटर देखना है जिसमें आपने विंडो को इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे केस में सी ड्राइव है यहाँ पर, ये इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा इस तरीके से, और सबसे नीचे जो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का, इस पर क्लिक करूँगा मैं। आपको उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, आपको टूल्स पर जाना है। यहाँ पर ये देख सकता हूँ, टूल्स पर आप जैसे ही जाएंगे ये ऑप्शन आपको दिखेगा, दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर फाइल सिस्टम एरर। ये आपको क्लिक करना है, यहाँ पर चेक करना आपको, और ये स्कैन ड्राइव, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस प्रोसेस को आपने कंप्लीट होने देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरे हार्ड ड्राइव को स्कैन करेगा और उसको रिपेयर करेगा। जो भी इशू आप फेस कर रहे होंगे अपने हार्ड ड्राइव में, यहाँ से इशू फिक्स हो जाएगा आपका। इसके बाद मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए किस तरीके से फिक्स करना है इसको, ये बताने वाला हूँ। आपको दोस्तों उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन सीखेगा, योर ड्राइव वॉज सक्सेसफुली स्कैंड। आप मेरे केस में नो एरर्स वर फाउंड देख सकते हैं यहाँ पर। आपके केस में अगर कोई एरर भी आया होगा तो उसको आपने कैसे फिक्स करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और इसको भी यहाँ से ओके कर देना है। अब हमने कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए इसको फिक्स करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सीएमडी टाइप करना है, यहाँ पर अपने सर्च बॉक्स में राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। आपको छोटा सा प्रॉम्प्ट खुलेगा आपके पास, तो आपको यस करना है उस पर। अब आपको यहाँ पर दोस्तों कमांड डालनी है, सी एच के डी एस के स्पेस, अपने ड्राइव का लेटर लिखना आपको यहाँ पर, मेरे केस में सी है। उसके बाद आपको कॉलन करना है, स्पेस स्लैश और एफ कर देना आपको, और एंटर कर देना है। आप जैसे ही ए कमांड डालेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ से वाई कर देना है, तो आप जैसे ही अपना सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे, आपके हार्ड ड्राइव जो है स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाई करने के बाद आपको एंटर कर देना है, और यहाँ से आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है। मैं यहाँ से एक और कमांड बता देता हूँ आपको, यहाँ से फिलहाल मैं इसको नो करता हूँ। यहाँ से मैं दूसरी कमांड आपको बता रहा हूँ, सी एच के डी एस के स्पेस स्लैश, उसके बाद आपको एफ लिखना है यहाँ पर, स्पेस करना आपको, फिर से आपको स्लैश करना, आर लिखना, फिर से आपको आपको उसके बाद स्पेस देना है, फिर से अपने ड्राइव का लेटर लिख लेना है, और उसमें कॉलम कर लेना है। कॉलम आप जैसे करेंगे एंटर कर देना आपको इस तरीके से। तो इस कमांड का भी दोस्तों आपने यहाँ से वाई कर देना है इस तरीके से, और एंटर कर देना है। तो ये कमांड भी दोस्तों अभी चल नहीं पा रही है, क्योंकि मेरे केस में ये ड्राइव लेटर यहाँ पर सेम है, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ अभी, इसलिए ये चल नहीं पा रही है। तो आपको एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस कमांड को चलाने के लिए भी, और आपका इशू यहाँ से फिक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों इन कमांड से भी आपका इशू फिक्स नहीं होता, तो मैं आपको तीसरी कमांड बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आपने अपना इशू फिक्स करना है। यहाँ से आपको ये कमांड चलानी, एस एफ सी स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। एस एफ सी स्टैंड फॉर सिस्टम फाइल चेकर, जो भी आपके विंडोज के अंदर करप्शन होगा उसको रिपेयर करेगा यहाँ से। इस तरीके से प्रोसेस जाएगा दोस्तों, 100% तक जाएगा यहाँ से ये। तब तक आपको वेट करना है इसका, जो भी करप्शन होगा आपके विंडोज के अंदर इंक्लूडिंग अगर हार्ड ड्राइव, सारे इशू यहाँ से फिक्स हो जाएंगे आपके विंडोज से रिलेटेड। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।